नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिजिक्स के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो इंडिया के सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो में चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, यह हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आप इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा? बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? आपके ऑप्शन है ए एम्पियर, बी कैंडेला, सी केल्विन, डी मोल। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा? बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कैंडेला। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है ए पारसेक, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी किलोमीटर, ऑप्शन डी डाइन। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा आपका ए पारसेक। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे, बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन है ए डाइन, बी न्यूटन, सी जूल, डी केल्विन। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ए बी सी डी में सही ऑप्शन बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो इस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा ए डाइन। आपका ऑप्शन नंबर ए डाइन होगा, डाइन बल का CGS पद्धति में मात्रक होता है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी ग्राहम बेल, डी थॉमस अल्वा एडिसन। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? किसने सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था? बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो एस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। न्यूटन ने सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है? दोस्तों, आपको बताना है इसमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है। आपको नहीं बताना है इसमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है। आपके ऑप्शन है ए विद्युत धारा, बी ताप, सी दाब या डी बल। बताइए दोस्तों, इसमें कौन सी अदिश राशि नहीं है? सही इसमें ऑप्शन बताइए दोस्तों कौन सा। दोस्तों, ये भी आप बताइएगा कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर होगा डी बल। बल जो है वो अदिश राशि नहीं है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूरी सदैव क्या होती है? ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी ए और बी दोनों सही हैं, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? दूरी सदैव क्या होती है? ऋणात्मक होगी कि धनात्मक होगी कि दोनों होगी या इनमें से कोई नहीं? तो यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए धनात्मक। दूरी सदैव धनात्मक होती है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परवलयाकार होता है, धनुष से छूटा हुआ बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, सी तोप से छूटा गोला या डी उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? परवलयाकार क्या होता है? इसमें से धनुष से छूटा हुआ बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा गोला या ये सभी सही ही हैं। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा डी उपरोक्त सभी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ग्रही गति के नियम की खोज किसने की थी? दोस्तों, आपको बताना है ग्रही गति की नियम की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन है ए केपलर, बी कॉपरनिकस, सी न्यूटन या डी आइंस्टाइन। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? किसने ग्रही गति के नियम की खोज की थी? तो केपलर, कॉपरनिकस, न्यूटन, आइंस्टाइन में से सही ऑप्शन बताइए दोस्तों इसमें क्या होगा? तो एस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा ए केपलर। केपलर ने ग्रही गति के नियम की खोज की थी। प्रिंसिपिया किसकी पुस्तक है? बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? न्यूटन, आइंस्टीन, कॉपरनिकस या गैलीलियो। प्रिंसिपिया किसकी पुस्तक है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, न्यूटन, आइंस्टीन, कॉपरनिकस या गैलीलियो किसकी पुस्तक है? बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा ए न्यूटन। न्यूटन की प्रिंसिपिया पुस्तक है। चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गैलीलियो का नियम या जड़ता का नियम न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? आपके ऑप्शन है ए प्रथम नियम, आपके ऑप्शन है बी द्वितीय नियम, ऑप्शन सी तृतीय नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? गैलीलियो का नियम या जड़ता का नियम न्यूटन के किस नियम से संबंधित हैं?
बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो एस दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए, प्रथम नियम। गैलीलियो का नियम या जड़त्वता का नियम जो है वो न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रही गति की खोज किसने की थी? दोस्तों कन्फ्यूजन मत होइएगा, जो हमने 9 नंबर क्वेश्चन पूछा वो दूसरा था और ये दूसरा है। ग्रही गति की खोज किसने की थी आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए केपलर, बी कॉपरनिकस, सी न्यूटन या डी आइंस्टाइन। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। ग्रही गति की खोज किसने की थी? ए बी सी डी में सही ऑप्शन बताइए दोस्तों, सही ऑप्शन क्या होगा। तो एस दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने ग्रही गति की खोज की थी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन से न्यूटन के प्रथम नियम के उदाहरण हैं? आपके ऑप्शन है ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऑप्शन बी चलती हुई मोटर के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऑप्शन सी कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। यह ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों इसमें न्यूटन के प्रथम नियम के कौन सा उदाहरण है। सही ऑप्शन बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो यस दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो इसमें उपरोक्त सभी, ये जो तीनों नियम हैं वो न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका डी उपरोक्त सभी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान कितना होता है? बताइए दोस्तों आपके ऑप्शन है ए 0, बी अनंत, सी 1 या डी 10। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होगा? बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो एस दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा ए 0। 0 पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो होता है वो 0 होता है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने की थी? बताइए दोस्तों आपके ऑप्शन है ए आर्यभट्ट, बी न्यूटन, सी गैलीलियो या डी आइंस्टीन। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा। पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने की थी? गैलीलियो, आइंस्टीन, न्यूटन या आर्यभट्ट। सही ऑप्शन बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो इस दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने पाई के मान की गणना सबसे पहले की थी। दोस्तों इन 50 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और आप कमेंट हमें करिए कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर है 15, संवेग किस प्रकार की राशि है? आपके ऑप्शन है ए सदिश, ऑप्शन बी अदिश, सी ए बी और दोनों, डी या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों संवेग किस प्रकार की राशि है, सदिश अदिश या फिर ये दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो इस दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो भी इसका ऑप्शन नंबर होगा ए सदिश राशि, संवेग एक सदिश राशि है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ऑप्शन है ए पहले की अपेक्षा दोगुना होगा, पहले की अपेक्षा 3 गुना होगा, पहले की अपेक्षा 6 गुना होगा, पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच यदि दूरी वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा दोस्तों बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों डी, पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका होगा डी सही, पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना न्यूटन के किस नियम का पालन करता है? बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। आपके ऑप्शन है प्रथम नियम का, द्वितीय नियम का, तृतीय नियम का या डी इनमें से किसी भी नियम का नहीं। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। बंदूक से गोली चलने पर और नाव से कूदने पर दोनों पीछे हट जाती हैं, बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो एस दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी तृतीय नियम, ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवेग किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है या फिर ये दोनों है या इनमें से कोई भी नहीं है। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। आवेग किस प्रकार की राशि है, ए बी सी डी में से सही ऑप्शन बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो एस दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए सदिश राशि, आवेग एक सदिश राशि है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, आपके ऑप्शन है ए पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है,
सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। सी, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण की अपेक्षा अधिक होता है। या डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ए बी सी डी में सही ऑप्शन बताइए। पृथ्वी पर सूर्य और द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो एस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा एकदम करेक्ट आपका ऑप्शन होगा बी, पृथ्वी पर सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त की केंद्र की ओर कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये अपकेंद्रीय बल, बी अपकेंद्रीय बल, सी वृत्तीय बल, या डी रेखीय बल। बताइए दोस्तों, वह कौन सा बल है जब किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर जो बल है वो केंद्र की ओर कार्य करता है। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो एस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल है जो केंद्र की ओर कार्य करता है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं? बताइए दोस्तों, आपके ऑप्शन है ए अभिकेंद्रीय बल, बी अपकेंद्रीय बल, सी रेखीय बल, या डी वृत्तीय बल। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं? सही ऑप्शन बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ए बी सी डी में सही ऑप्शन बताइए दोस्तों क्या होगा? तो एस दोस्तों, इसमें जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा बी अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी पिंड का भार क्या होगा? आपके ऑप्शन है पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, ऑप्शन बी ध्रुव पर अधिकतम होता है, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ऑप्शन डी पहाड़ों पर अधिकतम होता है। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? किसी पिंड का भार कहाँ पर सबसे अधिक होगा? बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा होगा, या ध्रुव पर, या विषुवत रेखा पर, या पहाड़ों पर? तो यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी ध्रुव पर। किसी पिंड का भार ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मौत का कुआं इनमें से किस बल के सिद्धांत पर आधारित है? आपके ऑप्शन है ए अभिकेंद्रीय बल, बी अपकेंद्रीय बल, सी वृत्तीय बल, या डी रेखीय बल। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? मौत का कुआं किस बल के सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीय या अपकेंद्रीय या वृत्तीय या रेखीय? बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो जो सही इसका ऑप्शन दोस्तों होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए अभिकेंद्रीय बल। मौत का कुआं जो है वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बल आघूर्ण जिसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है वह किस प्रकार की राशि है? आपके ऑप्शन है ए सदिश राशि, बी अदिश राशि, सी ये दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? बल आघूर्ण किस प्रकार की राशि है और जिसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है? बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा ए सदिश राशि। सदिश राशि बल आघूर्ण की होती है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आपके ऑप्शन है ए बल आघूर्ण के सिद्धांत पर, बी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, सी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, या डी जड़ता के सिद्धांत पर। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा ए बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। बल आघूर्ण के सिद्धांत पर सरल मशीन कार्य करती है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिकतम हो जाता है जब लिफ्ट आपके ऑप्शन है ए एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, बी एक समान वेग से नीचे जा रही हो, सी नीचे की ओर त्वरण से गमन करे, या डी ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिकतम होता है? बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिकतम होता है? तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा डी ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तोलक, घिरनी, आनत तल, स्क्रू जैक आदि किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? आपके ऑप्शन है ए बल आघूर्ण के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, या ऑप्शन डी जड़ता के सिद्धांत पर। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? जो उत्तोलक, घिरनी, आनत तल है वह किस पर कार्य करते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। यह भी बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की क्षण स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? आपके ऑप्शन है ए आलंब, बी आयस, सी भार, डी संवेग। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? आलंब, आयास, सी भार, डी वेग। निश्चित जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की क्षण स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसका क्या सही ऑप्शन होगा? बताइए दोस्तों, ए बी सी डी में सही ऑप्शन बताइए दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या होगा? तो एस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा उसका आपका ऑप्शन नंबर होगा ए आलंब। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैंची, प्लास, सिंडासी, कील उखाड़ने की मशीन, सीस झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप, तराजू आदि किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? आपके ऑप्शन है ए प्रथम श्रेणी, बी द्वितीय श्रेणी, ऑप्शन सी तृतीय श्रेणी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, कैंची, कील उखाड़ने की मशीन, सीस झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप, तराजू किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए प्रथम श्रेणी। ये सभी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज़ को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छलकाए बिना ही खींचा जा सकता है, ये परिघटना। आपके ऑप्शन है ए कागज़ व गिलास के मध्य घर्षण की कमी दर्शाती है, ऑप्शन बी घटना के तृतीय नियम को दर्शाती है, सॉरी न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाती है, ऑप्शन सी जड़ता के गुण को दर्शाती है, या ऑप्शन डी बेग को दर्शाती है। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? जल से भरे गिलास के नीचे से अगर कागज़ खींच लिया जाए और जल ना छलकने पाए तो उस परिघटना को हम क्या कहेंगे? बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों, इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा सी जड़ता के गुण को दर्शाती है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पहिया की कूड़ा ढोने की गाड़ी, सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन आदि किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? बताइए दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं ए प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, में सही ऑप्शन क्या होगा? ये किस श्रेणी के मतलब उत्तोलक हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय? बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी द्वितीय श्रेणी के। एक पहिया की कूड़ा ढोने की गाड़ी, सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिमटा, मनुष्य का हाथ आदि किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? बताइए दोस्तों, आपके ऑप्शन है ए प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? चिमटा और मनुष्य का हाथ आदि किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? तो बताइए दोस्तों, जो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी तृतीय श्रेणी। चिमटा, मनुष्य का हाथ, और ये जो है वो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो उसका त्वरण दोगुना हो जाएगा, बी उसका संवेग दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन सी उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, ऑप्शन डी उसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो क्या इसका सही ऑप्शन होगा? दोस्तों बताइए, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? किसी पिंड का अगर वेग दोगुना हो जाए तो ऑप्शन ए बी सी में सही ऑप्शन दोस्तों चुनिए। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? एस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी उसका संवेग दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उसका संवेग दोगुना हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संतुलन के प्रकार हैं। बताइए दोस्तों, इसमें क्या होगा? आपके ऑप्शन है ए अस्थाई, बी अस्थाई, सी उदासीन, डी उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, संतुलन के इसमें से कौन से प्रकार हैं? ए बी सी डी में से सही ऑप्शन बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? अस्थाई होगा कि अस्थाई होगा कि उदासीन होगा? तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो इसमें से हो गए तीनों उपरोक्त सभी। संतुलन के जो हैं वो तीनों प्रकार हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पदार्थ का परिणाम एसआई का मूल मात्रक क्या होता है? बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या है? पदार्थ का परिणाम एसआई का मूल मात्रक क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए मोल, बी कैंडला, सी एम्पियर, या डी केल्विन। बताइए दोस्तों, इसमें एसआई का मूल मात्रक पदार्थ का क्या परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए मोल। मोल जो होता है वो पदार्थ का परिणाम का एसआई मूल मात्रक होता है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत धारा का एसआई मूल मात्रक होता है। आपके ऑप्शन है ए एम्पियर, बी केल्विन, सी जूल, डी रेडियन। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ए बी सी डी में सही ऑप्शन बताइए दोस्तों, इसमें चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए एम्पियर। विद्युत धारा का जो
एसआई मूल मात्रक होता है, वो एम्पियर होता है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों ये भी हमें कमेंट में बॉक्स में बताइएगा कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक भारी एवं हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगा हो तो आपके ऑप्शन है ए एक समान वेग से गतिमान होंगे, ऑप्शन बी एक समान संवेग से गतिमान होंगे, ऑप्शन सी एक समान त्वरण से गतिमान होंगे या ऑप्शन डी उपरोक्त जैसा कुछ भी नहीं होगा। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। एक भारी एवं हल्के पिंड पर अगर एक समान बल की एक अवधि के लिए लगाया जाए तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी एक समान संवेग से गतिमान होंगे। आपका ऑप्शन नंबर होगा बी एक समान संवेग से गतिमान होंगे। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घन कोण का एसआई का संपूरक मूल मात्रक क्या होता है। बताइए दोस्तों आपके ऑप्शन है स्टे रेडियन, बी रेडियन, सी कैंडेला, डी केल्विन। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। घन का जो संपूरक मूल मात्रक है वो क्या होता है। ए बी सी डी में सही ऑप्शन बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो जो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए स्टे रेडियन। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए क्षैतिज से किस कोण पर प्रक्षेपित करना चाहिए। बताइए दोस्तों किसी चीज़ को अगर आपको बहुत दूर तक फेंकना है तो उसको किस कोण से फेंका जाना चाहिए। आपके ऑप्शन ए 30 अंश, ऑप्शन बी 45 अंश, सी 60 अंश या डी 90 अंश। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा, किस कोण से आपको उसे फेंकना चाहिए जिससे वो अधिकतम दूरी प्राप्त करे। तो जो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी 45 अंश। 45 अंश कोण से अगर किसी चीज़ को आप फेंकते हैं क्षैतिज से तो वो बहुत ज़्यादा दूरी प्राप्त करेगी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच कितने अंश का कोण बनता है। बताइए दोस्तों आपके ऑप्शन है ए 90 अंश, बी 45 अंश, सी 30 अंश या डी 180 अंश। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु वेग और त्वरण के बीच कितने अंश का कोण बनता है। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। 90, 45, 30, 180 में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए 90 अंश। 90 अंश का वेग और त्वरण के बीच कोण बनता है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। बताइए दोस्तों किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। आपके ऑप्शन है ए दोगुनी हो जाएगी, ऑप्शन बी आधी रह जाएगी, ऑप्शन सी चार गुनी हो जाएगी या ऑप्शन डी एक चौथाई रह जाएगी। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। अगर किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। ए बी सी डी में सही ऑप्शन बताइए दोस्तों आधी हो जाएगी कि दो गुनी हो जाएगी कि एक चार गुनी हो जाएगी कि एक चौथाई रह जाएगी। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका वो ऑप्शन होगा सी चार गुनी हो जाएगी। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा सी चार गुनी हो जाएगी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन किस प्रकार की राशि है। आपके ऑप्शन है ए सदिश, अदिश, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों विस्थापन किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है कि ये दोनों प्रकार की है या इनमें से कोई नहीं सही ऑप्शन है। बताइए दोस्तों विस्थापन किस प्रकार की राशि है। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन होगा ए सदिश राशि, विस्थापन एक प्रकार की सदिश राशि है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में ए घड़ी में विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है या ऑप्शन डी इनमें से कोई ऊर्जा संग्रहित नहीं होती। बताइए दोस्तों जब घड़ी में हम चाबी भरते हैं तो उस प्रक्रिया में कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। ए बी सी डी में सही ऑप्शन बताइए दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा ए बी सॉरी आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जूल किसका मात्रक है, कार्य का, ऊर्जा का, बल का, ए और बी दोनों का। बताइए दोस्तों जूल किसका मात्रक है, कार्य ऊर्जा बल या फिर कार्य और ऊर्जा दोनों का होता है। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन हमें कमेंट में बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जूल किसका मात्रक है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जो जूल है वो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक है, बल का इसमें मात्रक नहीं है, बाकी जूल जो है वो दोनों का। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्य एवं ऊर्जा किस प्रकार की राशि है। बताइए दोस्तों आपके ऑप्शन है ए अदिश राशि,
बी सदिश राशि, सी ए और बी दोनों हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। कार्य मूर्जा किस प्रकार की राशि हैं, दोनों अदिश हैं कि सदिश हैं, या ए बी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका वो ऑप्शन नंबर होगा ए, अदिश राशि। कार्य ऊर्जा जो है वो एक प्रकार की अदिश राशि हैं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायनमो किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है, आपके ऑप्शन है ए यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, या ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। बताइए दोस्तों, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नहीं बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। डायनमो जो है वो किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, या यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक, या यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है, ऐसा क्यों। बताइए दोस्तों आपके ऑप्शन है ए जिससे पैर फिसल ना जाए, ऑप्शन बी चाल बढ़ जाए, ऑप्शन सी थकान कम हो, या ऑप्शन डी स्थिरता में वृद्धि हो। बताइए दोस्तों जब व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो आगे की ओर क्यों झुकता है। ऑप्शन बताइए दोस्तों, थकान कम हो, स्थिरता में वृद्धि हो, या चाल बढ़ जाए जिससे पैर न फिसल जाए। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो जो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिरता में वृद्धि हो। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है, आपके ऑप्शन है ए द्रव्य घनत्व मापी, ऑप्शन बी बैरोमापी, ऑप्शन सी आर्द्रता मापी, या ऑप्शन डी ऊंचाई मापी। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है, द्रव्य या फिर बैरो या फिर आर्द्रता मापी या फिर ऊंचाई मापी। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो जो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन होगा बी बैरोमापी। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है जो बैरोमापी है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी पिंड का अधिकतम भार होगा, वायु में होगा, जल में होगा, गैस में होगा, या निर्वात में होगा। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ पर होगा, तो बताइए दोस्तों वायु, जल, गैस, निर्वात में कहाँ पर अधिकतम भार होगा किसी पिंड का। तो जो दोस्तों आपका इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर डी है, निर्वात में। किसी पिंड का अधिकतम भार जो होगा वो निर्वात में होगा। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। पारे की दो बूंदों को संपर्क में लाने पर मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है, इसका कारण क्या है। बताइए दोस्तों आपके ऑप्शन है ए न्यूनतम घनत्व बनाए रखना, ऑप्शन बी न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना, या ऑप्शन सी अधिकतम घनत्व बनाए रखना, या ऑप्शन डी अधिकतम पृष्ठ क्षेत्रफल बनाए रखना। बताइए दोस्तों में कौन सा ऑप्शन सही होगा। जब पारे की दो बूंदें आपस में मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो इसमें मतलब कौन सा नियम पालन करता है, बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों में सही ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा बी न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये हमारे वीडियो ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। बताइए दोस्तों आपके ऑप्शन है ए सिरका, बी पारा, सी जल, या डी अल्कोहल। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।